आज मैंने किचन की बेशुमार कैबिनेट्स में से एक कैबिनेट के सिर्फ दो खाने खाली किए हैं ताकि मैं इनको रीसेट कर सकूं। इतना कड़वा समझ जाता है ना बर्तनों का कि जब धुलते हैं तो फिर वापस उस तरतीब में नहीं रखे जाते जिस तरह के मैंने सेट किए होते हैं। और इन दो खानों में से जो कुछ निकला है मैं आपको दिखाती हूँ। इन दो खानों में से ये सब चीज़ें निकली हैं। यहाँ से मैं इसका व्यू करवाती हूँ और अब ये वापस कैसे समाएंगी देखती हूँ मैं। ये वाइट बर्तन है, ये बड़ा मशहूर और मारूफ सेट है। आठ लोगों का प्लेटे हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन दो खानों में से ये इतना कुछ निकला है। ये है मुझे इतनी पसंद है ना, वो कभी मैं इसमें सैंडविचेस रख लेती हूँ, कभी मैं इसमें हलवा वगैरह डाल लेती हूँ, कभी मैं जब आपके लिए कोई कुकिंग शो करती हूँ तो इसमें अंडे भी गोभी रख लेती हूँ। जी अब मैं हूँ और मेरी हिम्मत है, देखें कि इनको किस तरह मैं वापस समाती हूँ इन्हीं खानों में, ठीक है। और जो फालतू होंगे उनको मैं फिर निकाल देती हूँ। ये जग मैं अमेरिका से लेके आई थी और ये प्याला और इसके साथ एक मैचिंग प्लेट स्क्वायर प्लेट है, वो मेरी दोस्त साउथ अफ्रीका से लेके आई थी मेरे लिए। देखिए मेरी दोस्तों को भी पता है कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और ये प्लेटें तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये छह प्लेटें और एक बड़ी प्लेट, दे आर सो प्रिटी, दिल खुश हो जाता है इनको देख के, इतनी मुझे प्यारी लगती हैं ये। बस हमारी ऐसी ही छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में जिनसे रंग भरते हैं, ये हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात की तकमील है। तो अच्छा जी अब मैं कैमरे को रखती हूँ और फिर मैं अब स्टार्ट होती हूँ इन शेल्फों को दोबारा सेट करने में। ये सारे ब्लू बर्तन जो है ना, ब्लू क्रॉकरी, इनको मैं इस निचले वाले खाने में रखती हूँ क्योंकि काफ़ी वज़न है इनका। ये लोअर पोर्शन में निचले खाने में मैंने ये सारी ब्लू क्रॉकरी और उसके साथ वाइट डोंगे जो हैं वो सारे रख दिए हैं। ये कितनी प्यारी प्लेट है शेल की शक्ल की, ये सारी ब्लू दो डिनर सेट हैं, डिनर सेट तो नहीं इसको कह सकते, प्लेटें हैं, क्वार्टर प्लेटें हैं, प्याले हैं और टी कप्स हैं, डोंगे इनके साथ नहीं हैं, ये इसी तरह मैंने लिए थे। तो इस खाने में मैंने ये कर दिया, ऊपर वाले खाने में मैंने प्लेटें कर दी हैं। पहले येलो वाले रखे मैंने जो मुझे बेहद पसंद है कलर येलो, फिर प्लेटें हैं, फिर क्वार्टर प्लेटें हैं, फिर ये देखें ये छोटा सा प्यारा सा शेल, ये मैंने हांगकांग से लिया था, इसके साथ मेरी बड़ी ही क्या कहते हैं गोल्डन मेमोरीज है। और ये मैंने यहाँ रख दी है प्लेटें, अपनी मुर्गी वहाँ से जा दी है, इतना कुछ कर चुकी हूँ लेकिन अभी बहुत सारे बाहर पड़े हुए हैं जिनको मैं देखती हूँ कि किस तरह मैंने इनको डिस्पोज ऑफ करना है। अभी इन दो खानों को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, इनकी बारी अभी नहीं आएगी, पहले इनको मैं सेट कर लूँ। अब मैंने ये खाना खोला है बिल्कुल जो जैसे ये नीचे की कैबिनेट है ना इस तरह का, ये इसमें चीज़ें देखें कैसे पड़ी हुई हैं, ओह उलट पुलट करके रख दी जाती हैं। अब इसको मैं सेट करती हूँ। ये छोटी सी क्यूट सी डिश है मेड इन जापान, इतनी क्यूट है ये। और ये मैं बताऊँ दुबई से जब मैंने सब्जियों की शेप की ये डिफरेंट
इस तरह की प्लेट्स खरीदी थी ना, ओए होए होए, आई वॉज सो हैप्पी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये एग्स रखने के लिए ये जब मैंने स्टैंड लिया था, ओए होए होए, तब भी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसमें अंडे बॉईल करके आप टेबल पे रख सकते हैं। और फिर ये छोटी छोटी सी ताजीन, ये मैंने अपने कुकिंग शोज़ के लिए नमक मिर्च वगैरह डालने के लिए ख़रीदी थी मोरक्को से। ठीक है, अब आपको मैं एक एक बर्तन की हिस्ट्री बताने लगूँ ना तो मेरा ख़्याल है वो कभी वीडियो ख़त्म ही ना हो। ये मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई फरिश्तों के पर होते हैं और इसके अंदर आप कैंडल लगा के कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये जब प्लेट मैंने ख़रीदी थी ना, ओए होए, तब भी मैं बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि कोई हद नहीं। ठीक है, और फिर और क्या मैं आपको बताऊं, दिखाऊं, ये जनाब ये मैंने ली थी साउथ अफ्रीका से, ये प्लेट के नीचे रखने के लिए, क्या इसको कहते हैं, मैट्स तो नहीं कह सकते, मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या कहते हैं। ठीक है, और फिर जी मैं आपको बताऊं, ओह माय गॉड, ये जब मैंने जग कह लें इसको, जग ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई अमेरिका से लिया था, ला आई वॉज सो हैप्पी कि कोई हद ही नहीं। ठीक, कौन कौन सी चीज़ आपको बताऊं, ये देखें, ये एक बर्ड है, 24 कैरेट गोल्ड का इसका ये रिम है और इसके नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, और ये ऐसे लगता है जैसे कोई बर्ड है छोटा सा, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालने के लिए क्यूट लगता है। अब ये जो खाना है ना, इसमें इस तरह के मैंने छोटे छोटे स्पेयर बर्तन रखे हुए हैं, ये कुकिंग शोज़ वगैरह के लिए या कोई और ऐसी घर में चीज़ें। देखो कितना मज़े का ये स्वैन है। ठीक, ये प्लेटें हैं जी मेरी अम्मी के ज़माने की। और जनाब जी, आज मैं मशीन पे कुछ काम कर रही थी और सुई में जब धागा डाल रही थी तो मुझे वो ज़माना याद आता था जब अम्मी मेरे से सुई में धागा डलवाया करती थी और मैं आंखें मीच के इमेजिन करती थी, विजुलाइज़ करती थी कि अम्मी को किस तरह का नज़र आता होगा जो उनसे सुई में धागा नहीं डलता। आज मैं सुई में धागा डालते हुए खुद वो टाइम याद कर रही थी और अपनी अम्मी को याद कर रही थी। और कैसे इत्तेफाक है कि आज मैं ये अपनी जो किचन की कैबिनेट्स हैं उनको रीसेट कर रही हूँ, रीअरेंज कर रही हूँ, तो अम्मी की प्लेटें मुझे नज़र आ गई है। क्वार्टर प्लेटें, बहुत ही क्यूट प्लेटें हैं, बहुत प्यारी, सो स्वीट। और ये मेरे हाथ में है इस वक्त। और देखें, ये एक डिश है, ये एक डिश है और जिसके दोनों किनारों पे ना बर्ड्स बने हुए हैं, ये देखें, ये भी और ये भी। और कितने मज़े की डिश है, इसमें बस कोई मैं ऐसी चीज़ डाल देती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, ये सारे मैं बर्तन निकाल के छोटे छोटे से जो हैं ये रख रही हूँ इधर, और फिर इनको मैं ज़रा सेट करूँगी। फिर देखें, ये एक शिमला मिर्च है, ओफ इतनी क्यूट, ये मैंने दुबई से ख़रीदी थी। और ये देखें, चकंदर है या पता नहीं मूली है क्या, ये भी मैंने दुबई से लिया था। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि ये चीज़ें मैंने दुबई से ली और मैं इतनी खुश हुई कोई हद नहीं। और इसके बाद ये है सैलेड डालने के लिए डिशेस। ठीक है, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं। ये कितनी प्यारी लेसी सी बास्केट है, छोटी सी, बिल्कुल लेसी बास्केट, ये भी मुझे बहुत ही क्यूट लगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इधर रख रही हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी डिशेस जो है ना, सऊदी अरब में मिठाई की एक दुकान थी,
तो इनमें वो ख़ास किस्म की कोई मिठाई वो देते हैं, तो वो मैंने जनाब मिठाई जब इस्तेमाल हो गई तो ये छोटी छोटी डिशेस मैं पैक करके अपने साथ ले आई। और ये सब छोटी छोटी डिशेस मैंने ली हुई हैं कि मैं अपने कुकिंग शोज़ में इसमें स्पाइसेस वगैरह डालूंगी, तो ये इस पर्पस के लिए मैंने रखी हुई हैं। ये छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी, ये मैंने 4 प्यालियाँ अमेरिका से ली थी, क्यूट सी छोटी छोटी सी प्यालियाँ, कहवे के लिए हैं तो कहवे के लिए, लेकिन ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए ही हैं। ये येलो बर्ड्स लाइक डिशेस जो है ना, ये भी मैंने स्पाइसेस के लिए ही ली थी। ये कितनी मज़ेदार दो डिशेज हैं, मैं इसको माँ और बच्चे का नाम देती हूँ। इसमें कभी मैं फूल सजा लेती हूँ और कभी मैं दही का रायता बना के वो डाल लेती हूँ। छोटी जो साथ है उसमें चटनी डाल देती हूँ।